ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं समझिए। जैसे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब हमने क्या करा इस इक्वेशन में दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इन बोथ साइड वी विल डिवाइड एच स्क्वायर इन अ गिवन इक्वेशन इन अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में समीकरण में दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए एच स्क्वायर से अपॉन में एच स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर से भाग दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पी अपॉन एच, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो हमने इस स्क्वायर को कॉमन ले लिया। हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से जैसे हमने अकॉर्डिंग टू द ट्रिक क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, इस शॉर्ट ट्रिक के बेस पे हम बोल सकते हैं जो पहला वाला रेशो होता है वो साइन रेशो होता है, जो सेकेंड रेशो होता है वो कॉस रेशो होता है, जो थर्ड रेशो होता है वो टेन रेशो होता है। सेम इसी का अपोजिट देखे तो एच अपॉन पी क्या होता है कॉसिक रेशो, एच अपॉन बी मतलब सेक रेशो, बी अपॉन पी मतलब कॉट रेशो। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी मतलब बेस मतलब आधार, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख के रखा इसने पी अपॉन एच, तो देखिए पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, मतलब पी अपॉन एच की जगह आप क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर क्यों लगा क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या होता है कॉस थीटा, तो बी अपॉन एच की जगह आपने क्या लिख दिया कॉस थीटा। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है वन के बराबर होती है। ये आइडेंटिटी याद रहेगी आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। सेकेंड आइडेंटिटी समझो, सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर होता है। इसको भी प्रूफ हम किससे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, पिछले बार जैसे हमने दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब इसमें हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी में एच स्क्वायर से डिवाइड करा था, ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी में हम किससे डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, बी मतलब बेस का स्क्वायर मतलब आधार के वर्ग से दोनों तरफ भाग देने पर। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा सर वन आएगा। ठीक है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी दोनों का स्क्वायर कॉमन है तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। एच अपॉन बी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के हिसाब से क्या होता है एच अपॉन बी, नीचे से देखो ये होता है आपका सेक थीटा, एच अपॉन बी इज अ सेक रेशियो। एच अपॉन बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू पी अपॉन बी। देखिए पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज ए टेन रेशियो, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूफ कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस वन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर होता है। आई होप आप इस आइडेंटिटी को समझ पाए होंगे। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है। ठीक है, इसको भी हम किससे प्रूफ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से प्रूफ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है,
फर्स्ट आइडेंटिटी में एच स्क्वायर से भाग दिया, सेकेंड आइडेंटिटी में बी स्क्वायर से भाग दिया, थर्ड आइडेंटिटी में हम पी स्क्वायर से भाग देंगे। पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर से भाग देंगे। तो एच अपॉन में पी का स्क्वायर, पी अपॉन में पी का स्क्वायर, बी अपॉन में पी का स्क्वायर। तो दोनों में स्क्वायर कॉमन आएगा, तो मैंने सब में स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एच अपॉन पी आ रहा है। H अपॉन P किसका रेशो होता है? H अपॉन P किसका रेशो होता है? That is a cosec रेशो। तो H अपॉन P की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? cosec, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा cosec square theta। Similarly P से P cancel out हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, तो that is a 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, B अपॉन में P रेशो, B अपॉन में P रेशो क्या होता है? That is a cot रेशो। तो B अपॉन में P की जगह आप क्या लिख सकते हो? cot square theta। b upon p की जगह क्या लिख सकते हैं? cot square theta। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। इन अ ट्रायंगल abc राइट एंगल एट अ b, ab बराबर 24 सेंटीमीटर, bc इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द साइन a cos a, सेकंड cos sin c एंड cos c। हिंदी में बोल रहा हूं, एक त्रिभुज abc में B एक समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, जहां पर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन A और cos A का मान, साइन C और cos C का मान देना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में क्या बोला, एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC। इसमें B आपका क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल मतलब B वाले पे क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, B वाले पे क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले AB बराबर कितना देके रखा आपको? 24, तो AB की इक्वल्स टू में आपने लिख दिया 24। BC बराबर कितना देके रखा है? 7, तो BC बराबर आपने लिख दिया 7। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। यदि आपने थीटा यहाँ पर कंसीडर करा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और यदि आपने थीटा यहाँ पर कंसीडर करा है, देखना यहाँ पर कंसीडर करा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, H मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है? AC वाली भुजा है। ये क्यों है हाइपोटेनियस? क्योंकि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस या कर्ण। तो ये क्या हो गया आपका? कर्ण या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसको जगह स्क्वायर की जगह कितना लिख दोगे? AC का स्क्वायर। B फॉर बेस, बेस कितना है आपका? 24 का स्क्वायर बेस। इसको क्यों माना? क्योंकि मैंने थीटा यहां पर माना था। ठीक है, मैंने थीटा यहाँ पर माना था, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 625। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25। तो आप इस चीज को समझते होंगे कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी स्क्वायर वाली चीज है तो वो बाहर आ जाती है। अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी स्क्वायर वाली चीज है तो वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये 25 इसके अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में है, तो 25 क्या जाएगा? अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको एसी का मान कितना मिला? एसी की वैल्यू कितनी मिली? 25। मतलब आपका AC बराबर कितना आ गया? 25। और AC आपके लिए क्या था? हाइपोटेनियस था, और AC आपके लिए क्या था? कर्ण था। आई होप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया उसने? साइन A निकालना है और cos A। A मतलब आपको एंगल A को कंसीडर करना है। ठीक है, A मतलब आपको एंगल A को कंसीडर करना है। अब ध्यान से देखना, मैंने एंगल A को कंसीडर करा, तो सबसे पहले सभी साइड को डिसाइड कर लेते। 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल ए को कंसीडर करा, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, सॉरी, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला क्या होता है?
हाइपोटेनियस या कर्ण, आपने एंगल ए कंसिडर करा तो एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ साइड है वो क्या होगा आपका, बेस या आधार। जो बचा हुआ साइड है वो क्या आपका होगा, बेस या आधार। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग साइन रेशो और कॉस रेशो क्या होता है, साइन रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस रेशो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या आधार बटे कर्ण, या इसको बोल सकते लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, 7, तो यहाँ पर रख दिया 7। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना है आपका, 25, तो यहाँ पर रख दिया आपने 25। सिमिलरली कोस रेशो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका बेस कितना है 24, तो ये आ गया आपका 24। हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब पहले आपने एंगल कौन सा कंसीडर करा था ए, अब आप एंगल कौन सा कंसीडर करोगे सी। तो जैसे आप एंगल सी को कंसीडर करोगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। जैसे पहले एंगल ए कंसीडर करा था तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या बनी थी, परपेंडिकुलर। सेम इसी तरीके से एंगल सी के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, अब परपेंडिकुलर। लंब 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस और कर्ण, और बचा हुआ साइड क्या होगा आपका, आधार। ठीक है, अब देखना ध्यान से, साइन सी और कॉस सी बोला, तो साइन रेशो और कॉस रेशो क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 24 और कर्ण कितना है आपका 25, तो दैट इज 24/25। ठीक है, कॉस सी मतलब कॉस रेशो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका 7 और कर्ण कितना है आपका 25। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द 10p माइनस cot p। ठीक है, ये आपको फिगर देके रखा है, इस फिगर में आपको 10p और cot p की वैल्यू निकाल, cot r की वैल्यू निकालना है, 10p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे p और q दो एंगल देके रखे, मतलब आपको ये जो q वाला एंगल है आपका कितना है 90 डिग्री है, q वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, यदि आपने थीटा यहां पर कंसीडर करा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और रिमेनिंग साइड आधार या बेस होता है। ठीक है, यहां तक ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम में इस हाइपोटेनियस इस कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस हाइपोटेनियस या कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, या फिर इस क्वेश्चन में देखिए, वो तो पिछले क्वेश्चन में करा था, इस क्वेश्चन में आपको इस वाली साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको ये वाली साइड की वैल्यू कितनी देके रखी है 13, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी देके रखी है 12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो आपका कर्ण कितना है PR, तो PR का स्क्वायर, लंब कितना है आपका, दैट इज ए QR, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो QR का स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका PQ, तो ये हो गया आपका बेस का स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख दो, क्योंकि एक में दो जोड़ो या दो में एक जोड़ो, दोनों तीन ही आता है, तो जोड़ में हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, PR की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है, PQ की वैल्यू आपको 12 देके रखी है, ये 12 का स्क्वायर प्लस QR आपको निकालना है, ये QR आपको निकालना है, तो QR ऐसा का ऐसा, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आता है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है। ठीक है, और QR का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 169 में से 144 गया तो कितना आएगा 25, ये 144 बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 25। किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर आएगा। तो मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि स्क्वायर में हो तो स्क्वायर के बाहर आ जाता है, ये आ गया इसके स्क्वायर के बाहर। ये रूट कैसे आया, ये क्यू आर का स्क्वायर हटाओगे तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर हटाओगे तो बराबर के इधर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, 5, ये आ गया आपका 5। ठीक है, अब जो फाइंड आउट करना है वो देखो,
आपको बोला टेन पी, ये टेन पी लिख दिया, माइनस कॉट आर, ये आपने कॉट आर लिख दिया। टेन पी मतलब एंगल आपको पी कंसिडर करना है, देखना ध्यान से, यही समझने वाली बात है। टेन पी मतलब आपको एंगल कौन सा कंसिडर करना है, पी, ठीक है। तो टेन पी, पी मतलब ये वाला एंगल कंसिडर करना, तो एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, और रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा आपका, बेस या आधार, ठीक है। टेन पी कॉट आर, कॉट आर मतलब आपको आर वाला एंगल कंसिडर करना है, तो आर वाला एंगल के लिए हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया जिसमें हमने आर वाला एंगल कंसिडर करा, तो आर वाला एंगल ये वाला कंसिडर करा, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब, 90 के सामने हाइपोटेनियस और बचा हुआ साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात होती है कि इसका रेशो क्या होता है, टेन रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग टेन रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट रेशो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन पी, तो टेन पी के लिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, और बेस कितना है, पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। कॉट आर, कॉट आर के रेशो के लिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आर एंगल कंसिडर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेस, इसका बेस कितना है, क्यू आर, ये क्यू आर लिख दिया, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, ये हमने पी क्यू लिख दिया, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी है, दैट इज ए 5, और पी क्यू की वैल्यू 12, तो 5/12, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, ये लिख दिया 5/12, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपको देखे रखा है गिवन 5 cot a बराबर 8, और आपसे वैल्यू पूछा है कि साइन a और sec a की वैल्यू क्या होगी, cot a बराबर 8 देके रखा और आपसे पूछा है साइन a और sec a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करा हमने, इस cot में 15 यहाँ गुणा में है, तो 15 को बराबर किधर ले जाओगे, तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो cot a बराबर क्या होता है, 8/15 आ गया, cot a बराबर क्या है, 8/15, ये आपको देख के रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले पता करो कि cot रेशो क्या होता है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग cot रेशो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है cot रेशो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये 8 क्या हुआ आपका बेस, और 15 क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, 8 क्या हुआ आपका बेस, और 15 क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर या लंब। एक आपने ट्रायंगल ड्रॉ करा ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, आपको एंगल ए कंसीडर करना है, तो ए आपने कंसीडर करा, सी पे 90 डिग्री माना, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये एंगल ए को कंसीडर करा, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड क्या आपका, आधार या बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपने कितना निकाला, 15, और बेस आपने कितना निकाला, 8, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस, कर्ण की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग निकालना है, परपेंडिकुलर का वर्ग, परपेंडिकुलर कितना है आपका, 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो जैसे आप इस स्क्वायर को बराबर किधर ले जाओगे, तो रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर कोई भी दो संख्या हो तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। जैसे अंडर रूट ए का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए होता है, यहाँ पर 17 का स्क्वायर है, तो बाहर कितना आएगा, 17, मतलब आपका हाइपोटेनियस कर्ण कितना आ गया, 17, कितना आ गया, 17, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपसे पूछा क्या था उसने, साइन ए, तो साइन ए और सेक ए, साइन ए रेशो देखो, साइन रेशो क्या होता है, साइन रेशो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ आपने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेक ए, सेक रेशो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। तो
पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपका 15, ये आ गया 15, हाइपोटेनियस कितना आपका 17, तो 15/17 आपका साइन रेशो आ गया, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है आपका 8, तो 17/8 आपका सेक रेशो आ गया, ठीक है, सिंपल है।